Now the question was, why the receptor said no to first insulin molecule? This is the question we start. फिर पहले को ना बोला इसलिए दूसरा, फिर दोनों को ना बोला इसलिए तीसरा, लेकिन ये सिलसिला पहले कब हुआ और क्यों हुआ? ये टाइम लिखो, 8 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock. Keeping this as a standard food practice, I will tell you, but timing is not important. It keeps changing according to person. और यहाँ लिखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. Look, point number one, when we eat carbohydrate, refined or unrefined, our body responds and it creates flood of insulin in your body. So carbohydrates induces flood of insulin. जब आप कार्ब खाते हो तो इंसुलिन का फ्लड शरीर में हो जाता है. जब आप प्रोटीन खाते हो तो एडिक्वेट. कितना इंसुलिन आता है शरीर में, मतलब पैंक्रियास के बीटा सेल्स कितना इंसुलिन तैयार करते हैं? एडिक्वेट इंसुलिन तैयार करते व्हेन यू ईट प्रोटीन. एंड व्हेन यू ईट फैट, अपना शरीर कोई इंसुलिन तैयार नहीं करता. इंसुलिन इज नॉट सीक्रेटेड एट ऑल. बेसिक ये कार्ब, प्रोटीन और फैट, ये जो तीन बेसिक अन्न घटक है उनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखो. ईस्टर्न है का वेस्टर्न है, साउथ इंडियन है का महाराष्ट्रीयन है, चावल इज चावल, कार्ब इज कार्ब. फैट का आपने क्रॉस लगाया क्या था? फैट जनरेशन, इंसुलिन रिजनरेट है. जब फैट खाते हो तो शरीर में इंसुलिन तैयार ही नहीं होता है. क्योंकि कार्ब और प्रोटीन के आगे के प्रोसेसिंग के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है, इसलिए सीक्रेट होता है. फैट प्रोसेसिंग के लिए इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रोसेस नहीं होता, इसलिए सीक्रेट नहीं. अब होता क्या है, 8 बजे आप क्या खाते हो? पोहा. पोहा खाया, पोहा खाया तो इंसुलिन की बाढ़ आ गई और ये 11 बजे उसके मीन लेवल पर आने वाली थी. इंसुलिन की बाढ़ आ गई और 11 बजे वो उसको जो स्टार्टिंग लेवल था, फास्टिंग इंसुलिन का लेवल, वहां आने वाली थी. लेकिन 11 बजे किसने गदगद भाव से आपको प्रसाद दिया? नहीं, किसे बोलेंगे? आपने किया था ना, तो आपने प्रसाद खाया. प्रसाद ऑफ कोर्स कार्ब भी होता है क्योंकि स्वीट होता है वो. तो हुआ क्या, ये इंसुलिन को आपने गिरने नहीं दिया, वहीं से ऊपर चढ़ गया. 2 बजे इंसुलिन नीचे आने वाला था. खाना नहीं खाने को, खाना तो खाना है ना दिन में, खाना खाया. फिर 5 बजे नीचे आने वाला था, फिर कुछ सैंडविच, भेड़, समोसा, पकोड़ा, बोंडा, पेड़ा, चाय. वो 8 बजे नीचे आने वाला था, खाने का टाइम हो गया. फिर वो 11 बजे नीचे आएगा क्योंकि आप सो जाते हो. 11 बजे आप ताश खेलते रहोगे ना
फिर वो 11 बजे बढ़ के 1 बजे नीचे है। इसको कहते हैं इलेवेटेड इंसुलिन लेवल। ये शब्द देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इलेवेटेड इंसुलिन लेवल। नीचे मतलब यहाँ फास्टिंग इंसुलिन का रीडिंग 5 है, 5 का 15 हुआ, ऊपर चला गया। 5 इंसुलिन था, 10 मतलब 5 मॉलिक्यूल इंसुलिन है शरीर में, खून में। खाना खाने के बाद शरीर ने और 10 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया। इंसुलिन मतलब एक रसायन है, अपने पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स है ना वो इंसुलिन सीक्रेट करता है ना, एक रसायन है। वो रिसेप्टर को बोलता है ग्लूकोज को अंदर रो। तो आप कुछ नहीं करते ना तो 11 बजे वो फिर से 5 हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं इलेवेटेड इंसुलिन लेवल। और ये प्रॉब्लम है संस्कृत में एक सुभाषित है, अति परिचयात् अवज्ञा, पता है आपको? अति परिचयात् अवज्ञा संतत रमणात् अनादरो भवति, मलये भिल्ल पुरंदरी चंदन तरुकाष्ठम इंधनम कुरुते। मलय पर्वत जो है साउथ में कहीं है, मलय पर्वत कहाँ है? मलय पर्वत मलय पर्वत पर जो भिल्ल आदमी की जो वाइफ है वो क्या करती है? चंदन तरुकाष्ठम इंधनम कुरुते, मतलब वो चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ा यूज करते हैं ना उसके लिए वो चंदन की लकड़ी यूज करती है। क्यों? अति परिचयात् अवज्ञा, किसी से आपकी जरूरत से ज्यादा पहचान हो गई ना तो उसके बारे में आपके मन में एक ठीक है चलता कैजुअलनेस आ जाता है। उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपका जो रिसेप्टर है पूरा दिन ये इंसुलिन खून में बहता है, खून में बहता है करके वो रिसेप्टर से संग होता है, रिसेप्टर के संग हो जाएगा तो पूरा दिन उसको इंसुलिन चिपक के बैठेगा, वो रिसेप्टर ऊब जाता है। जैसे आप पति पत्नी है, ये पति पत्नी, एक पति पत्नी फोर्स में आए थे, उस लेडी को पूछा मैंने अगर तुमने तेरे साल को कितना साल हुआ, बोले 13 साल हो गए। तो अगर तेरा पति 24 आवर्स तुमको चिपक के बैठेगा कैसा लगेगा? आधे घंटे के बाद कंटाला जाएगा, बहुत हो गया सर, चटक दूर अभी दूर नजदीक चिपकने का नहीं जा रहा। क्यों? पति भी कितना भी प्रिय हो एक हद से बाहर फिर उसको भी बहुत हो गया यार, टू मच। किसी भी वस्तु से आप जरूरत से ज्यादा जुड़ते हो उसके प्रति एक नकारात्मक भावना आ जाती है, उब जाते हो, वो रिसेप्टर इंसुलिन से उब जाता है, इसलिए वो उसकी सुनता नहीं है। थोड़ा सा विरह होने दो, वो इंतजार करेगा रिसेप्टर उसका, अरे कब इंसुलिन आएगा और कब मैं दरवाजा खोलूं, कब शुगर को अंदर। लेकिन रोज रोज का क्या नाटक है बोलता है, अति अति हो जाता है उसका, वर्थलेस बनने लगता है। वैसे किसी भी बीवी को पति वर्थलेस लगने के नजदीक आने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा पति वर्थलेस ही है, किससे मेरे शादी हो गई उसकी, ऐसा उसको जन्म भर लगता होगा। दूर बैठेगा फिर भी वैसा भी लगता है, तो उसके लिए नजदीक आने की जरूरत नहीं है। तो आपके खाने पीने का जो पैटर्न है, देखो मतलब खाने पीने के गलत पैटर्न से सतत इंसुलिन सीक्रेट होता है, सतत इंसुलिन सीक्रेट होने से रिसेप्टर बधिर हो जाता है, नम हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर वो दरवाजा नहीं खोलता, वो दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए पैंक्रियास पर बर्डन आता है, पैंक्रियास को बार बार इंसुलिन करना क्रिएट करना पड़ता है, बार बार इंसुलिन क्रिएट करके पैंक्रियास थक जाता है। अब इस पॉइंट पे उसको हंटर से और पिट के इंसुलिन बनाने को बोलने का, कि उसको इंसुलिन से थोड़ा रिसेप्टर को दूर रखने का, ये पॉइंट है। भाई डायबिटीज इज गेटिंग रैम्पेंट एंड देयर इज नो रेमेडी इट सीम्स, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रेमेडी है डायबिटीज को, ऐसा डायबिटीज ठीक हो सकता है।
बात को समझो कि शरीर में क्या होता है, बात को समझो। इंसुलिन घटाने के बजाय बढ़ा रहे हैं आप, एग्जैक्टली। और ये जो डायबिटिक बिस्किट है ना, वो 100% कार्ब है, वो आप खाओगे इंसुलिन का फ्लड आएगा, पहले से ही रेजिस्टेंस में गया हुआ सेल डबल रेजिस्टेंस में जाएगा और ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा। इतना डायबिटिक डिस्टेंस डिजास्ट्रस है, फिर भी उसको कितना स्टेटस। आम बिस्किट, अगर बिस्किट का पाउच वो अगर 20 रुपये का मिलता होगा वो 50, लेकिन कौन किसको बोलेगा, कौन किसकी सुनेगा। सारे डायबिटीज की समस्या ये है। इसका डायबिटीज कम इसलिए हुआ कि उसके फूड में ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग किया कि इंसुलिन और रिसेप्टर का थोड़ा विरह हुआ, देन इंसुलिन केम बैक टू इट्स ओन, ओके नाउ आई कैन टॉलरेट। फिर थोड़ा इंसुलिन क्रिएट होने से शुगर खोल दरवाजा खोलने लगा, शुगर अंदर आने लगी, शुगर अंदर आने लगी, उसका डायबिटीज गया। क्योरिंग डायबिटीज इज सो सिंपल, मॉर्निंग वॉक करो, मेथी का पानी पियो, भिंडी का पानी पियो, फलाना करो, आवड़ा का पाउडर खाओ, करेले का जूस खाओ, जामुन का पाउडर खाओ। ओह माय गॉड, लोगों को पागल कर देते हैं, जवान राहु हो जाता, राहु हो जाता। कुछ संबंध है ही नहीं शुगर मैनेज करने का, इंसुलिन को मैनेज करो, शुगर अपने आप मैनेज हो जाएगी। सो सिंपल, सो एक राजमार्ग बोलते हैं ना, इसलिए बुक का नाम लिखा है मैंने एक्सप्रेस वे टू हेल्थ एंड वाइटैलिटी। ये गली बिली नुक्कड़ सर्विस रोड नहीं, एक्सप्रेस वे टू हेल्थ एंड वाइटैलिटी। आप इस रास्ते पर दो कदम चल के तो देखो, एंड यू विल सी द हेल्थ इज विद यू, कहीं ढूंढना नहीं है। फिर खाने पीने में क्या परिवर्तन होना चाहिए ताकि इंसुलिन का फ्लड ना हो, दैट आई विल स्पीक आफ्टर ऑल द फोर डिसीजेस मैं डिस्कस करूं। अब ये ऐसा ही रहेगा चित्र, क्योंकि ये अपना बेस्ट चित्र है। नाउ आई विल टॉक अबाउट ओबेसिटी। इसमें एक बोलते हैं ना टाइप 1 टाइप 2, वो क्या थोड़ा सा बताएं। वो पहले बोला ना, जो बच्चों को होता है ना जन्म से प्रॉब्लम होता है, उनके पैंक्रियाज काम ही नहीं करते। आपके पैंक्रियाज 25, 30, 45 की उम्र तक काम करते हैं, लेकिन ये पैटर्न की वजह से वो थक जाते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एंड इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, आपका इंसुलिन नॉन टाइप 2 है ना, वो बढ़ते उम्र के बाद आता है, पहला वाला बच्चों को होता है। बच्चों को होता है मतलब उनका कोई दोष नहीं होता है, उसके माँ का दोष होता है। माँ अगर बार बार कार्ब खाती है, अगर इसके पेट में बच्चा है बार बार माँ कार्ब खाती कार्ब खाती है, तो बार बार इंसुलिन बढ़ेगा। वो जो क्या बोलते हैं नली होते हैं ना बच्चों को कनेक्ट करने वाली, अम्बिलिकल को, हाँ अम्बिलिकल, तो उसका खून वो बच्चे के भी पेट में जाएगा ना, पेट में मतलब बच्चे के भी शरीर में जाएगा ना। जो इंसुलिन चढ़ा हुआ है वो इंसुलिन के साथ जाएगा, इसलिए वो बच्चा जब गर्भ में है तभी उसके रिसेप्टर्स बधिर हो जाएंगे। और वो बच्चा अगर जन्म लेता है तो होता है काय का जेनेटिकल, ये उसकी माँ का पाप है। मैं जो काम करता हूं, एक व्यक्ति का माथा दुख रहा है उसको पैरासिटामोल लिख के दो, फीवर आ गया ग्लूकोपेन लिख के दो, ये दो उसके लिए नहीं होता है, बॉडी पेन के लिए होता है। मैं तो ऐसे ही बोला, ऐसा नहीं है मेरा काम, ना पैरासिटामोल काम करता है ना ब्रुफेन काम करता है। आई विल स्पीक ऑन फार्मेसी आल्सो, फार्मेसी भी कितना बड़ा फ्रॉड है मैं बोलूंगा। वो माँ का पाप है, उसके लिए होता है वो। दैट इज नॉट क्यूरेबल। व्हाई नॉट क्यूरेबल, वन वंस ही कैन लर्न टू कंट्रोल इंसुलिन, दैट इज आल्सो क्यूरेबल। अपने सिस्टम में सिर्फ जिसको मति मंद बोलते हैं ना, मति मंद समझता है, मंद बुद्धि, एबनॉर्मल चाहिए रहते हैं ना, स्लो लर्नर क्या बोलते हैं मराठी में, मति मंद बोलते हैं, मोरोन मेंटली रिटार्डेड। हां मेंटल रिटार्डेशन को 7.4 में कोई ये नहीं है,
सॉल्यूशन में, उसको भी कारण है क्योंकि उसकी जो नर्व्स, जो नर्व्स से जो मेंदू बनता है ना, उसका बनना, वो जो बच्चा गर्भ में होता है ना तब डैमेज हो चुका होता है, एंड दैट कैनॉट बी रिपेयर्ड। आई कैन रिपेयर ओनली दोज सेल्स व्हिच आर अगेन एंड अगेन जनरेटेड ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ द लाइफ। लेकिन कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं वो एक ही बार आदमी को मिलते हैं, एक बार वो खराब हो गए तो नो अमाउंट ऑफ फूड कैन, क्योंकि वो न्यूरॉन नए से नहीं बन सकते, बाकी सारा शरीर नए से बनता है। एवरी 90 to 180 डेज शरीर का हर कण बदल जाता है, आप वो नहीं है जो आप 90 दिन 90 डेज पहले थे। दैट इज वाई सच टाइप ऑफ क्यूरिंग इज पॉसिबल। अगर आपके पास सेल है, सेल डैमेज्ड है, और उसी डैमेज्ड सेल के साथ अगर पूरी जिंदगी गुजारना है, माधव जोशी कुछ नहीं कर सकता, 90 डेज के बाद वो सेल डिसइंटीग्रेट होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से चली जाती है, और जब खाना खाते हो उससे उसकी जगह नई सेल तैयार होती है। नई सेल जब तैयार होती है, अगर उसको 7.4 का माहौल मिलता है तो नई सेल हेल्दी बनती है और आप डिसीज मुक्त हो जाते हैं। और नई सेल बनने का रॉ मटेरियल क्या है? अन्न। एनी अमाउंट ऑफ लेप, मलम, ऊपर से शिरोधारा, जो भी हम करते हैं ना, वो सेल बनने में सहायक नहीं होता है। सेल बनने के बाद वो सहायक होता है, बनी हुई सेल को मदद करेगा, लेकिन सेल इटसेल्फ बनने में वो मदद नहीं करेगा। उसका एक ही सोर्स है, वो अन्नात भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म प्रमोद्भव। वो मालूम नहीं आगे का, मुझे इतना मालूम है अन्न से आदमी बनता है। और शरीर का वो जो कभी भी नए से न बनने वाला पार्ट बहुत थोड़ा है, 0.0.0.0% है, बाकी सारा शरीर। लेकिन हमारे में सेम रेप्लिकेट करने की क्षमता है, इसलिए आप हर महीने वही दिखते हो, हर महीने अलग अलग दिखने लगोगे, नहीं तो वो नहीं होगा। अब हम ओबेसिटी की बात करेंगे, वजन कम। वजन कैसे कम होता है, क्या करें तो वजन कम होता है, आपने क्या क्या किया, क्या क्या ना सहे हमने सीतम आपके काटे, ये जाना भी दे रही थी, ये वजन मैंने क्या नहीं किया। मैं माउंटेन चढ़ा, आप कभी मुंबई आए हो, मलबारी चौपाटी मालूम है, चौपाटी मलबारी हैंगिंग गार्डन है, एक हिल है, हिल। आई यूज्ड टू वेट 88 केजी, 20 टाइम्स एट अ टाइम मैं ऊपर नीचे करता था, चढ़ो 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 चढ़ो, शरीर का बोझा उतना ही। 6 महीना पहले शरीर जितना बोझा था ना, बोझा मतलब वजन, 6 महीने के बाद भी बोझा उतना ही। फिर मैं, किसने मेरे को बोला सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार 120 सूर्य नमस्कार इन 20 मिनट्स, 120 सूर्य नमस्कार इन 20 मिनट्स, बोझा उतना ही। फिर कोई बोले स्विमिंग करेगा ना, स्विमिंग, अरे स्विमिंग जैसा एक्सरसाइज नहीं, फिर 2-2 घंटा स्विमिंग करने का जी। फिर बोला अपर बॉडी लोअर बॉडी होता है, फ्रंट बॉडी बैक बॉडी, रामकृष्ण है। एक जन मेरे बोला फिर तू कहीं उसको वो देवी का कोप बोलते हैं ना, तो भगवान रुड़ गया है तुमसे, तो कुछ उसको कोमड़ी वगैरह मतलब वो बलि चढ़ाओ, मैं खाने के लिए बलि दूंगा, लूंगा किसका, लेकिन भगवान के लिए बलि नहीं दे सकता। डाइटिंग नहीं बोला? मैंने डाइटिंग भी किया, जनरल मोटर्स का डाइट किया, पैलियो डाइट किया, सारा हो चुका, बोझा नहीं रहा है। आई ब्रो कितने उतने में एसिडिटी बढ़ गई, बात नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, कॉम्प्लिकेट हो गए, बात अलग है, काम नहीं होगा। अब मैं आपको एसिडिटी बताऊंगा,
हिले डुले बगैर बैठे बैठे आपका वजन खाते 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 ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। मैं चारवाक के पंथक हूँ, चारवाक पंथ समझते हो, चारवाक एक ऋषि था अपने यहाँ पर। यावत् जीवम सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता। ढाई हजार साल मेरे चारवाक ने पूछा था, जब तक जान है ऐश करो, यावत् जीवम सुखम जीवे, जब तक जान है सुख में जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, लोन लो एचडीएफसी से। आजकल फोन पर आते हैं आपको लोन लाए, नहीं चाहिए भाई लोन, मेरे को लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन ले लो और ऐश करो। एक बार भस्म हो गया शरीर, कौन जान है तो जान है, एक बार जान गई तो ऊपर ये मेरा एक जान हो, दो जान, तीन जान, सात जान, क्या पता किसको कितना जान है। ये कुछ लोग बोलते हैं मानते हैं ऐसा है करके, किसने लिखा है। तो मैं चारवाक पंथी हूँ बेसिकली, गुड फिलोसफी। तो खाना पीना तड़वा है, इनफैक्ट आपको आपको और आपको थोड़ा सा वजन कम करना है, आपको भी थोड़ा करना है, सारे लोगों को जिसको वजन कम करना है उसका मेरा एक पहला रिक्वेस्ट है, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप जैसे आपने खीर भी खाया वैसे नहीं खाने खाए तब तो फूड के बारे में कुछ बोला नहीं, तब चीज के खाओ। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, तीन महीना कैन यू गिव थ्री मंथ्स ऑफ योर लाइफ मतलब फॉर फूड, मेरे को नहीं चाहिए आपका रेट, मैं क्या करूँ। मैं जैसा बताऊँ वैसा करूँ, उसमें नो मॉर्निंग वॉक, आप जो साधना के रूप में जो क्रिया करते हैं ठीक है, बट अदरवाइज कपालभाति कुछ नहीं करना, कपालभाति। बाबा ने बोला एक कपालभाति करने के बाद एक ग्राम वजन कम होता है, तो मैंने वजन का काटा लाया और एक बैलेंस सामने रखा, उस पर नमस्कार किया और 3000 कपालभाति एट अ टाइम। शायद आपने सारे लोगों ने मिलके भी 3000 कपालभाति एट अ टाइम नहीं की, हो जाते उड़ान से कई बदल कर नहीं जाता कुछ। नो नो एक्सेप्ट साधना के रूप में जो प्राणायाम करते हो ना, नो मॉर्निंग वॉक, नो जॉगिंग, नो अपर बॉडी, नो लोअर बॉडी, नो जिम, जितना सोना है सो, जो भी थोड़ा काम करते हो उस प्रिंटिंग देखते हो करो थोड़ा काम और खाओ और आपका वजन कम बस। लेकिन 3 महीना जैसा मैं बोलता हूं वैसा, और 3 महीने के बाद मैं फिर आऊंगा, मैदान छोड़ के भागने वालों से मैं नहीं हूं। अब वो क्या रहस्य है मैं बोलता हूं, अपने भारतीय फिलोसफी में जिसको हम महावाक्य बोलते हैं, तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि सूत्र रूप में बोलते हैं ना, फिर जो ज्ञानी लोग हैं वो विस्तार करके उसको बढ़ा के बोलते हैं, बढ़ा के मतलब एक्सप्लेन करते हैं, वो बढ़ा के नहीं बोलते, वो ही बोलते हैं लेकिन वो बढ़ा के बोलते हैं थोड़ा सा। तो मेरा सूत्र क्या है, इंसुलिन सीक्रेट करके ग्लूकोज का फैट में रूपांतर करते हैं, समझ लो।
और पैंक्रियाज में जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करके फैट को तोड़ के उसका ग्लूकोज में रूपांतर करते हैं। अपने शरीर में पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में अल्फा सेल और बीटा सेल दो सेल है और एक तीसरा भी सेल है लेकिन उसका अभी अपने से कोई संबंध नहीं है। दोनों सेल्स एग्जैक्टली अपोजिट काम करती है, एक सेल फैट क्रिएट करता है और दूसरा सेल फैट तोड़ता है। आपको फैट बढ़ाने का है कि तोड़ने का है नक्की? फिर आपका इसमें से शत्रु कौन है, मित्र कौन है? क्योंकि ग्लूकागॉन फैट को तोड़ेगा, इंसुलिन फैट को जोड़ेगा, मतलब तो ग्लूकोज से जोड़ के उसको फैट बनाएगा। तो आपकी मित्रता ग्लूकागॉन से होनी चाहिए, ग्लूकागॉन, और आपका शत्रु है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन फैट बढ़ाता है, ग्लूकागॉन फैट कम करता है। फिर आपको यह मालूम होना चाहिए मैं क्या खाऊं तो ग्लूकागॉन तैयार होगा और क्या खाऊं तो इंसुलिन तैयार होगा, बराबर है? देखो ग्लूकागॉन और इंसुलिन अपने से तैयार नहीं होते हैं, अपने मन को लगा कि आज एकादशी है आज ग्लूकागॉन तैयार करें, नो, एकादशी है कि अमावस्या है, आप क्या खाना खाते हो उस पर वो निर्भर करता है कि वो ग्लूकागॉन तैयार करेगा या इंसुलिन तैयार करेगा। तो चाहे कुछ लग फुलर एंड एडिक्वेट और फैट, अब ये दोनों में ना एक अंडरस्टैंडिंग है। हिंदी में देवरानी और जेठानी ऐसे बोलते हैं, तो बड़े भाई की औरत और छोटे भाई की औरत, जो बड़े भाई की औरत किचन में जाती है वो छोटी दूर रहती है किचन से, वो तुम जानो करो जो भी करना है, इफ यू आर देयर आई एम नॉट देयर। कर्ण क्या बोला भीष्म को, जब तक तुम संग्राम में हो मैं दूर रहूंगा, तो दोनों की पटती नहीं है, ये देठानी देवरानी है। तो जब तक इंसुलिन खून में है ग्लूकोजन सीक्रेट नहीं होगा, क्यों? उसका कोई शत्रु तो नहीं, उसका रीजन ये है, देखो फाइनली ये ग्लूकोज लेवल पर आ जाता है, इफ ग्लूकोज इज देयर इंसुलिन विल बी सीक्रेटेड, एंड इफ ग्लूकोज इज देयर बॉडी डजंट हैव टू ब्रेक फैट एंड क्रिएट ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज है, सो लॉन्ग ग्लूकोज इज देयर इन ब्लड इट विल कीप सीक्रेटिंग इंसुलिन एंड दैट इंसुलिन विल कीप क्रिएटिंग फैट आउट ऑफ ग्लूकोज। आपको अगर ग्लूकागॉन को सीक्रेट करना है तो खून में ग्लूकोज तैयार न हो ऐसा खाना खाना चाहिए कि जो खाना ग्लूकोज तैयार नहीं करेगा, क्योंकि ग्लूकोज तैयार हुआ इंसुलिन विल बिकम एक्टिव एंड ग्लूकोगन डोरमेंट पड़ा रहेगा, और जैसे कि मैंने बोला आप इंसुलिन को नीचे उतरने को ही नहीं देता है, इंसुलिन नीचे नहीं उतरता है, ग्लूकोगन तैयार करता है, बॉडी का फैट वैसे ही पड़ा रहता है, सालों साल जमा रहता है, ये 10-10 साल पुराना फैट है वैसा ही है, आप उसको तोड़ने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं करता है। तो शरीर खून में ग्लूकोज सबसे इफेक्टिवली कम मात्रा में रखना है तो आपको फैट ज्यादा खाना पड़ेगा, मतलब आपको अगर पतला होना है यू नीड टू ईट मोर फैट्स। ये तो ऑपोजिट हो गया डॉक्टर, कुछ छोड़ रहा था मोटा, भाई क्यों आया हूँ बंगलोर इसीलिए बुलाया, भाई इसीलिए आया हूँ, आप जो भी जानते समझते हैं वो सारा सरासर गलत है, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है ना, मैं बोला ना सिर्फ मेरे हाथ में वो ये नहीं है चक्र नहीं है और मैं जींस पहनता हूँ पीता बदले पहनता हूँ, इतना ही फर्क है, बाकी उसमें मेरे में क्या फर्क। और डॉक्टर या डाइटिशियन, इवन डाइटिशियन एग्जैक्टली उन्हें एडवाइस देंगे फैट्स कम करो, जो व्यक्ति खाने पीने के फैट्स कम करता है वो कभी भी पतला नहीं हो सकता,
बट हाउ कैन दे इग्नोर सच सूर्य प्रकाश जितना सच क्लियर नॉलेज ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं? शॉकिंग है ये। सो जिसको वजन कम करना है इसको फैट ज्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन रिक्वायर्ड खाना चाहिए और कार्ब नहीं करना चाहिए एंड यू लूज योर वेट बैठे बैठे, क्योंकि ग्लूकागॉन को फैट तोड़ने के लिए तुमको हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। तुम शवासन में भी रहोगे ना, अगर कौन सा आसन करना है तुमको, एटलीस्ट योगा का बहुत प्रेम है आपके मन में तो शवासन करो। अगर ज्यादा ही कुछ योगा के बारे में प्रेम है आपको तो शवासन करो, क्या प्रॉब्लम है? आपका वजन कम होगा, ऐसे कम होगा। इट मोर फैट रिक्वायर्ड प्रोटीन एंड लेस ऑन लो कार्ब। अभी मैं यहाँ आया हूँ इसलिए मैं इन माय लाइफ प्रेजेंटली आई एम ऑन जीरो कार्ब। मेरा चपाती राइस और दाल का इंटेक जीरो है, शून्य। प्रोटीन एडिक्वेट जितना आवश्यक है, मैं ज्यादा प्रोटीन के रिकमेंड नहीं करता, आवश्यक प्रोटीन तो खाना चाहिए। I'll come to that, वो मैं बोलूंगा। ये लेकिन ये बेसिक सिद्धांत समझो, मतलब ये जो बीच बीच में लोग नहीं सर इतना सा मुरमुरा खाया कितना गदगद होते हैं, अरे वही लफड़ा है मुरमुरा खाया वही कार्ब है, वो मुरमुरा खाया इंसुलिन छूट हुआ। इंसुलिन और इंसुलिन का और एक लफड़ा है, उनको बोलते हैं ये आप लिख लो बाद में डिटेल लिखेंगे। इंसुलिन का क्या लफड़ा है ना, आपने 10 यूनिट शुगर बढ़ाया खून में तो इंसुलिन 12 बनता है। आप 10 यूनिट ग्लूकोज बढ़ाया मतलब 10 कैलोरीज खाया सपोज तो 12 यूनिट इंसुलिन बनता है। 10 ग्लूकोज को अंदर डालने के लिए इसमें से 10 यूनिट इंसुलिन काम आता है। ये जो बचा हुआ इंसुलिन है ना, ये बचे हुए ब्लड के शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है। सो व्हेनेवर यू ईट कार्बोहाइड्रेट्स इट विल क्रिएट फ्लड ऑफ इंसुलिन इन योर ब्लड, एक्सेस इंसुलिन विल रिलीजियसली कन्वर्ट ब्लड शुगर इनटू फैट। रोटी चावल ये सब नहीं खाना, मतलब आप अगर कार्ब नहीं खाओगे, मेरी दृष्टि में कार्ब खाना पाप है, निषिद्ध है। कोई जैन मुनि होते हैं वो बोलते हैं कांदा लसुन खाना उनके दृष्टि के अनुसार मत के अनुसार पाप है, कोई बोलते हैं नॉनवेज खाना पाप है, मेरी दृष्टि में कार्ब खाना पाप है। आपको पता है जो ओरिजिनल डिसीज मैंने बोला है ना उसमें कारण मैंने उस समय नहीं बताया था, अभी बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट इज द ओरिजिनल डिसीज बेसिकली। शुद्ध सात्विक कार्बोहाइड्रेट जो है ना वही सारे रोगों का मूल है। फालतू का गदगद होने से रोग से छुटकारा नहीं मिलेगा, गदगद हो जाओ लेकिन रोग से छुटकारा नहीं मिलेगा। हमने कब खाना शुरू किया था? ओके हम बंदर से बने हैं ना, मतलब इवोल्यूशन अमीबा से लेकर जिसको होमो इरेक्टस ऐसा बोलते हैं, जिसका स्पाइन अदरवाइज सारे जानवरों का स्पाइन पैरेलल टू अपना परपेंडिकुलर है। होमो इरेक्टस हम कब बने? आई टेल यू वंडरफुल एग्जांपल लेटर ऑन। आज से 30 लाख साल पहले हम जन्मे, 30 लाख इयर्स अगो, और चावल गेहूं मतलब सीरियल्स एंड पल्सेस और हमारी कब शाना खाना शुरू किया हमने, कड़धान्य मतलब स्प्राउट्स एंड धान्य, कितने साल हो गए? 10,000 इयर्स। वेरी राइट।
जब से एग्रीकल्चरल हुआ तो फिर 29,90,000 ईयर्स हम क्या खाते थे? फल खाते, ओके। और कुछ लोग नहीं, सब नॉन वेज, फल खाते थे, मूल खाते थे, मूल मतलब जो रूट्स, उस समय का जो होमोसेपियन था उसको होमोसेपियन बोलते हैं, उसको गैदरर हंटर ऐसा बोलते हैं। गैदरर यानी जमा करने वाला, जो फल पक गए हैं जमीन में, जो रूट्स है वो गैदर, हंटर मतलब शिकारी, क्योंकि रूट्स में और फल में न सैचुरेटेड फैट है न प्रोटीन्स है। किसी भी फल में और रूट में सैचुरेटेड फैट भी नहीं, प्रोटीन भी नहीं है, तो उसके लिए आदमी को दूसरा जिसमें जान है ऐसा प्राणी खाता था। मतलब 30 लाख साल हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं है। हेलो, ये 10,000 साल का पाप है अपना। और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं 10,000 साल पहले जो भी फॉसिल्स मिले हैं ऑल हैव डाइड ऑफ ओल्ड एज एंड नॉट अ सिंगल ऑफ डिसीज। सारे के सारे लोग 10,000 साल में थे। नॉट कुकिंग, एग्रीकल्चर बेसिकली। तो कार भी अपना अन्न है ही नहीं बेसिकली, कार भी जानवरों का अन्न है और जानवर ही अपना अन्न है। उल्टा है, कार में जानवर का अन्न है, जानवर हमारा अन्न है। 30 लाख साल पहले छोड़ दो, आज तारीख क्या है, 26 जुलाई, चलो आज हम चलते हैं, आज हम अभी अन्नपूर्णा में गए ना खाने का, अगर हमारे पास पुष्पक विमान होता और हम उत्तर ध्रुव पर जाते अभी लंच को, उत्तर ध्रुव समझते हो, नॉर्थ पोल, क्या खाना मिलता? उत्तर ध्रुव पर दो ही वस्तुएं खाने को, एक सील मासा और रेंडियर। कर्ड राइस नहीं, छोले नहीं, चपाती नहीं, खीर का नहींच नहीं। आज मैं बोल रहा हूं, मैं 50 लाख 60 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, टुडे 26 जुलाई 2015 को उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर अगर हमारे पास पुष्पक विमान होता और वहां 1:30 बजे खाना खाने को जाते, हम एक सील मासा खा के वापस आते। And perhaps we would have been healthier than 11 o'clock today. See, this is truth. मैं किसी को नॉनवेज खाने को बोलता भी नहीं और नॉनवेज मत खाओ ऐसा भी नहीं बोलता। मैं पूछता हूँ, Are you non-vegetarian? Yes, I will frame accordingly. Are you vegetarian? I will frame accordingly. आप जमीन के नीचे का भी वेज खाते हो? I will frame accordingly. आप सिर्फ जमीन के ऊपर का वेज खाते हो? I will. मैं धर्म गुरु नहीं हूं और मुझे धर्म गुरु बनने की जरा भी मनसा नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं धर्म गुरु बनने की। I want you to be healthy, that's all. तो मैं पूछूंगा कि आप क्या खाना खाना पसंद करते हो, वो मुझे बोलो, उसमें मैं बिठा के दूंगा, क्योंकि मेरे वेज भी स्टूडेंट्स हैं, नॉन वेज भी स्टूडेंट हैं, हर्बीवोरस है, ओमनिवोरस है, कार्निवोरस है, सब तरह के मेरे स्टूडेंट हैं। सारे लोगों को डायबिटीज, सारे लोगों का ठीक होता है, वजन सारे लोगों का घटता है। तो मैं धर्मगुरु न होने के नाते मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं आई एम नॉन वेजिटेरियन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं मेरा मत भी थोपता नहीं दूसरे ऊपर, नहीं नहीं तुम नॉन वेज खाओ, क्या जरूरत है, तुमको पसंद है तो खाओ, नहीं पसंद तो मत खाओ। लेकिन हिस्ट्री क्या बोलती है, मैं उसको बोल रहा ऐसा है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये कॉम्बिनेशन कितना हो, व्हाट शुड बी द परसेंटेज, आफ्टर आई डिस्कस ऑल द डिजीजेस परसेंटेज में हम डिस्कस करेंगे। वंस वी डिसाइड द परसेंटेज, फिर उसमें रेसिपीज कैसे बनेगी, आप वर्किंग रेडी है, आप नॉन वर्किंग रेडी, हो सकता है दोनों का परसेंटेज 40-40 है, 40 का 40 का,
लेकिन आप किस फॉर्म में वो कार्ब खाओगे, बीइंग अ वर्किंग रेडी, आपको उतना समय नहीं मिलेगा। शिमिटेल नहीं, 12 बजे मैं ये कर सकती हूँ घर पे विद सेम परसेंटेज। फिर धीरे धीरे हम उसको बाइफर्केट करेंगे कि घर में रहने वाला व्यक्ति क्या खाएगा, बाहर नौकरी, जैसे ही ऑन टूर फॉर से 10 डेज इन अ मंथ। हाँ, तो सेल्स वाला है तो आपको बैठ के थोड़ी काम होगा, दैट वी विल सी। बट बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट टू मोर डिजीजेस, एक है ब्लड प्रेशर और दूसरा है हार्ट अटैक। तो पहले हम ब्लड प्रेशर पर बात करें। आपका, आपको ब्लड प्रेशर है, यानी आपका शरीर और सुधाकर पाई का शरीर, उसमें क्या फर्क है? आप गोल हो वो लंबा ऐसा मत बोलो, देखने के लिए शरीर में क्या फर्क है? ये पतले हैं वो पतले नहीं है, नहीं वो राजस्थान वो यूपी वाले हैं और हम केरल वाले। आपके ब्लड वेसल्स हार्डन है और उनके ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल है। Fundamental difference between a person who is suffering from BP and a person who is not suffering from BP. What is blood pressure? Heart जब compress होता है, तो blood vessels थोड़े expand होते हैं, वो blood का flow आगे जाता है, blood vessels अपनी जगह पर आ जाते हैं। इसको हम स्थिति स्थापक मतलब elastic बोलते हैं। फूलता है वापस आता है, फूलता है वापस। अगर आपके blood vessels ने refuse किया, मैं नहीं खुलूंगा, मैं कड़क ही कड़क रहूंगा, तो आपके हाथ क्या होता है बताओ? ऐसा ना, ये हाथ है आपका, ये अगर नहीं फूला ना, तो ये प्रेशर उल्टा शरीर हार्ट पर जाता है, फिर हार्ट को खुद को जोर से कॉम्प्रेस करने को पड़ता है, फिर ये फूलता है। ये एक्स्ट्रा खुद को कॉम्प्रेस करने को जो पड़ता है ना हार्ट को, उसको हाई बीपी बोलते हैं। एक्सेस बर्डन इसके लिए पुश ब्लड थिनर की गोलियां आती हैं, आग रामेश्वरी बम्बो सोमेश्वरी। तो डॉक्टर क्या गोली देते हैं इसको? डायलेटेशन की गोली देते हैं, कुछ घंटों के लिए ये थोड़ा एक्सपांड होता है, एक्सपांड होने की वजह से ब्लड फ्लो स्मूथली आगे चला जाता है। कुछ घंटों बाद वापस अपनी स्थिति में आ जाता है वो, वापस अपनी स्थिति पे आ जाता है। 10-10 साल बीपी की गोली लेने के बाद अगर आपका बीपी ठीक हुआ नहीं, अगेन व्हाट इज द ट्रीटमेंट ही हैज गिवन देम? डॉक्टर बोलते हैं ये जिंदगी भर खाली है। हाँ, 100% रॉन्ग, अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट। होल मेनस्ट्रीम मेडिसिन ये अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट पर खड़ा है। क्या बोलूं, सभी लोग यही बोलते हैं, चाहे डायबिटिक है चाहे बीपी है, चाहे लाइक जन्म भर जाए जन्म भर कर। नो, आई हैव ए नंबर ऑफ पेशेंट्स 3-3 महीने में डायबिटिक, क्योंकि आपकी जो वेसल्स है जिस पेशी से बनी है, वो पेशी निकल जाने के बाद नई पेशी बनेगी, फिर भी आप अगर वो खीर खाओगे तो फिर आपका वो कड़क बनेगा। आप अगर खीर खाना बंद करोगे तो फिर नई वाली जो पेशी बनेगी वो फ्लेक्सिबल बनेगी, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिन नहीं होगा। सिंपल, मैं कोई गुड़ नहीं आपको बोल रहा हूँ, सीक्रेट नहीं बोल रहा हूँ, ये एविडेंट है, ऑब्वियस है। ये हार्डनिंग करता है चाय और कॉफी। जिसको बीपी है अगर वो चाय पीने का आदि है, वो चाय छोड़ दे 90 डेज में उसका बीपी जाएगा। किसी आपका फ्रेंड है उसको तुम प्रेशराइज कर रहे हो, 90 दिन मेरे लिए चाय छोड़ो, 91 दिन आप चाय पियो, चलो देखो उस 90 दिन उसका बीपी चलता है। नहीं, जो चाय पीता ही नहीं है उसका बीपी है तो उसका मैं बोला जो चाय पीता है, क्योंकि हार्डनिंग जो है ना वो किस कारण हार्डनिंग होता है मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि चाय की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन चाय एक ही कारण नहीं है हार्डनिंग का। उस व्यक्ति का मुझे ईमेल आईडी फोन करके हम इंटरेक्ट करेंगे, मुझे पुनः खुरदना पड़ता है, इसलिए बोला ना मैं आज का
फूड दू या दो महीने पहले कभी, सारा उसको बचपन से लेकर मेरे को पूछना पड़ता है क्या खाया है ये बात, क्योंकि उसके जो स्पेशी बने हैं वो किस मसाले से बने हैं वो मुझे जानना होता है। कड़क हुआ है ऑब्वियस है, कुछ तो रीजन होगा, अगर वो कैच कर सकते उसका डिप्यूटी हो जाएगा। हुआ है कितने लोगों का, हुआ है मैसूर में ही, तुम्हारा मैसूर यूनिवर्सिटी का जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रार है उसका बीपी गया, अशोक करके कोई, अशोक अब कोई नहीं, ये कम्युनिटी सुसाइड है कि नो अशोक फ्रॉम मैसूर, बाद में मेरे को नंदिनी बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसका बीपी नॉर्मल 220 बीपी है, 3 महीने में उसका 8120 हो गया, कुछ और प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा थोड़ा तक आदमी था बीपी दूसरे को, दूसरा भी एक कारण आपके लिए बोलता, आपके शरीर में मान लो आपका हृदय बना है 6 लीटर ब्लड मैनेज करने, आपके शरीर में खून घूमता है ना, आपका जो हृदय है हार्ट है इज कॉम्पैटिबल और सफिशिएंट इनफ टू पुश 6 लीटर्स ऑफ ब्लड एवरी बीट। अगर आपका ब्लड 6.250 होता है, आपका ब्लड का आकार बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो आपके हृदय पर एक्स्ट्रा 250 ml ब्लड हर बीट घुमाने की एक्स्ट्रा बर्डन जिम्मेदारी आती है, उसको हम हाई बीपी बोलते हैं। उसके वेसल्स नॉर्मल है, कड़क नहीं है, क्योंकि वो चाय नहीं पीता है, आपका यही पॉइंट था ना, वो चाय नहीं पीता है, हो सकता है उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है। एक नंबर ऑफ डॉक्टर्स है कि जो मानते हैं जरा और कुछ है, वो क्या करता है मन, आपके किडनीज को उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, 250 ml पानी निकाल दो, 250 ml पानी, तो आपकी किडनी रोज ये 250 ml पानी यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देती है, रोज आपका ब्लड गोली की वजह से अगेन 6 होता है। अगर ऐसा है तो एक बार गोली लेके अगर एक बार वो गया, एक्सेस वाटर था वो गया, ब्लड 6 लीटर हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, वो टिकता क्यों नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे नहीं वो फिर से 250 होगा। एक शिप है उसमें से पानी आ रहा है, आपने बाल्टी से पानी फेंक दिया तो क्या हुआ, टेम्पररीली, लेकिन सुबह तक सो गए तो फिर शिप पानी से भर जाएगा ना, वो नीचे से पानी आ रहा है ना, फिर वो रोज गोली लेना पड़ता है एंड फाइनली सफर फ्रॉम क्रॉनिक रीनल फेलियर। किडनी को फटका मार के मार के मार के मार के काम कर रहे हो वो भी थक जाएगी और नोटिस भेजेगी डाइवर्स की। रीजन क्या सर इसका, ज्यादा प्रोडक्शन होती है 0.25। हां नाउ यू हैव कम टू 7.4 डाइस। आखिर ये सब क्यों हुआ, ये जो पानी है वो पानी खून में कहां रहता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज का ये केमिकल फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। .5H2O ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पानी के 5 मॉलिक्यूल पकड़ के रखता है, जब तक ग्लूकोज विशिष्ट मात्रा में शरीर में है, किडनीज ने फोर्सफुली निकाला हुआ पानी आप आगे पानी खाना खाने के बाद फिर से वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पकड़ के रखेगा और वो खून फिर से 250 ml से बढ़ेगा। आप कारण समझा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो जो गोली है वो सिर्फ पानी हटाती है, ग्लूकोज नहीं हटाती, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वैसा का वैसा है, पानी गया लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्मूला 5H2O है, नया पानी पियोगे वो पानी पकड़ेगा फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति की शुगर मान लो 95 है,
और उसका बीपी 130/85 है फॉर एग्जांपल। अगर ये व्यक्ति 95 की शुगर 85 रखता है उसका बीपी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पानी को रहने को भी जगह ही नहीं है ना, पानी को रहने को जगह नहीं, पानी के रहने को जगह कौन दिया? ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज ही उसका कम हुआ, ऐसा ग्लूकोज 65 तक नीचे आ सकता है। अब सवाल ही उठता है ये ग्लूकोज कम कैसे होगा? कार्ब ज्यादा खाते हो तो ग्लूकोज बन रहा है, जिसको बीपी है वो भी फैट खाना शुरू कर दे उसका बीपी ठीक हो जाए। इडली डोसा अप्पम भातम, अरे खत्म ही नहीं होता है ड्रामा सब में किए। महाराष्ट्र में जाओ पोळी भात उपमा शिरा, अरे आए का है? क्या होता है वो बोलेगा तुम दौड़ो ग्लूकोज कम होगा, दौड़ने के बाद बहुत भूख लगती है, दो घंटा स्विमिंग करने के बाद मैं इतना खाता था वो वजन बढ़ता है, और खाओगे क्या? नहीं खाओ, तुम उपमा शिरा ही तो खाओगे और क्या खाओ, मैं दौड़ा खाओगे और क्या खाओगे, पल्सेस खाओगे तो गदगद होगी, उसमें प्रोटीन है, पल्सेस में 65% कार्ब है, क्या प्रोटीन प्रोटीन करते हो? चावल में 90% कार्ब है मानता हूं, पल्सेस में लेकिन 65% है ना पल्सेस में। अभी आपने क्या खाया? छोले खाया कार्ब था, चावल खाया कार्ब था, रोटी खाया कार्ब था, दाल खाया कार्ब था, कैसे आरोग्य मिलेगा? सिंपल, कैसे आरोग्य मिलेगा? अब कितना भी पंचकर्म करो, षटकर्म करो, सप्तकर्म करो, कुछ भी करो, आरोग्य मिलने वाला नहीं है आपको। और ये प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एरर है, प्रैक्टिकल एरर नहीं है। मतलब उकड़ा चावल खाओ कि बासमती खाओ ये नहीं है, वो चावल खाते हो यही प्रॉब्लम है। घर में क्या अलग खाते हो तुम? घर में तो ऐसे ही खाना खाते हो, क्या अलग खाते हो? तो इसने वही सवाल पूछा कि जो आश्रम में खाना खाते हैं उनका कैसा डाइट है। देखिए महाराष्ट्र में भी ना सुबह पोहा करो, उपीट करो, दलिया करो, घावन करो, और क्या खाते हैं? मुझे भी मराठी है, फिर भाकरी खाओ, चपाती खाओ, फिर पुलाव खाओ, आज क्या बना है? कश्मीरी पुलाव। अरे कार्बोहाइड्रेट तो है वो, कश्मीरी नाम डालने से उसका कार्बोहाइड्रेट का जो प्रॉपर्टी खत्म नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो बीपी का अगेन ऑल रोड्स लीड टू रोम इंग्लिश में कहावत है, वैसे ऑल रोड्स लीड टू इंसुलिन। जब तक इंसुलिन खून में है आपको आरोग्य नहीं मिलेगा, और जब तक आप कार्ब खाते हो तब तक इंसुलिन रहेगा, सो जब तक आप कार्ब खाते हो आपको आरोग्य मिलेगा नहीं। वो प्रसाद के रूप में खाओ, ऑर्गेनिक रूप में खाओ, और रिफाइंड नॉन रिफाइंड कुछ भी करो। दो तरह की गोलियां आती है, एक वेसल को चौड़ा करता है, एक खून को पतला करता है। पतला नहीं, वो पानी को हटाता है। दोनों गोलियां एक साथ भी चलती है? वो तो वो डॉक्टर का डिसीजन है, वो उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो चल रहा है वो मूर्खता है, इतना बोल सकता हूँ। ये मूर्खता है, वो मूर्खता, वो बात अलग है, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर। वो जो भी करता है लेकिन गलती तो गलती है, इस तरफ हुई क्या उस तरफ हुई, डरा के रखता है ना ये नहीं। Exactly. He said it. वो डरा के रखता है, ऐसा नहीं करो कि देखो कुछ भी हो सकता है, और अगर बीबी के साथ गया है तो बात खत्म। अकेला जाएगा, बीबी को नहीं बोलेगा तो चलो जैसे तैसे, मैं अगर बीबी साथ में गई पेशेंट के तो पेशेंट गया सब। वो गया, पेशेंट गया, इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कम टुगेदर, स्पाउस को साथ में रहा, उसको बोलते हैं स्पाउस को डाला दिया, देखो तुम्हारा कुंकू, इसको मात्र में कुंकू बोलते हैं,
तुम्हारा कुमकुम धोखे में है, सुहाग 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 तुम्हारा सुहाग खतरे में है। खलास, एक तो उसको पहले अपने पति को फ्रीडम देने की इच्छा नहीं होती है और डॉक्टर ने उसको लाइसेंस दिया, वो तो पकड़ के रखे, यही खाना खाने का बात करता हूँ।